नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 न्यूज। 2 मई को उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के थाना आलापुर क्षेत्र के ककराला के रहने वाले रेहान को ककराला चौकी के दरोगा और सिपाहियों ने बाइक चोरी के शक पर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी और उससे भी उनका पेट न भरा तो उसे करंट के शॉक दे दिए थे। जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे छोड़ दिया। अब उसका इलाज बुलंदशहर के अस्पताल में चल रहा है। आपको यहां ये बताना बेहद जरूरी होगा कि इस मामले में SSP ने संज्ञान लेते हुए दरोगा सतपाल, सिपाही नरेंद्र, शेखर, सोनू तथा 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है। हमारे संवाददाता के साथ देखें ये रिपोर्ट। जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र आलापुर के कस्बा ककराला के एक आवेदिका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में आकर उपस्थित हुई और उनके समक्ष प्राप्त पत्र दिया, जिसमें उसके बेटे के साथ मारपीट की घटना कायित हुई थी, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज व 4 आरक्षियों के नाम थे जिनके द्वारा उसके बेटे के साथ मारपीट की गई। उक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी दातागंज को जांच सौंपी। जांच में प्रथम दृष्टया आरोपी की पुष्टि पाते हुए एक अभियोग थाना अलापुर में पंजीकृत हुआ। तत्कालीन चौकी इंचार्ज ककराला और 4 आरक्षियों के विरुद्ध रेलिवेंट सेक्शंस में और इसका विभागीय कार्रवाई का आदेश भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। बाकी विवेचनात्मक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। WNN 360 न्यूज के लिए उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से हमारे संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।